Hello dear students, this is question number 4 from page 29 from class 9th. इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चार पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के अंदर जिसमें हमें एग्जांपल के साथ इसको सॉल्व करना है और एक्सप्लेन करना है असल में. तो पहला पार्ट जो है वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और इसके अलावा आपको कंप्लीट चैप्टर थ्योरी के साथ साथ सवालों को भी देखना है जिसको मैंने बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है. तो उसको आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. तो हम सॉल्व करते हैं इसको, एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है. सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व एट गिवन टेम्परेचर. एग्जाम्पल के तौर पर कि 100 ग्राम ऑफ वाटर में अगर मैं सॉल्ट को अगर डिसॉल्व करना चाहूँ, जैसे मान लीजिए 100 ग्राम ऑफ वाटर में 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट ही डिसॉल्व हो पाता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उससे ज़्यादा नहीं होता है. ठीक है, तो वही सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा. ठीक है, सॉल्ट इन वाटर. ठीक है, तो ये इसकी एग्जाम्पल हो गई. बी पार्ट में हमें बताना है प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं. इसके बारे में मैं लिख सकता हूं प्योर सब्सटेंस क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स और इट इज़ अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर. फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एट्सेट्रा. यानी ये जो है इसको आप कितना भी ब्रेक कर लो, आपको सिर्फ नाइट्रोजन के ही मॉलिक्यूल्स या एटम मिलेंगे इसके अंदर. ठीक है, इसके बाद सी पार्ट में हमें सॉल्व करना है, एक्सप्लेन करना है कि व्हाट आर कॉलोइड्स क्या होता है. ठीक है, तो कॉलोइड्स के बारे में मैं लिखूंगा. सो कॉलोइड्स क्या होते हैं? दीज आर द हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द पार्टिकल ऑफ कॉलोइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल मिल्क. ठीक है, और दूसरी बात ये कह सकते हो कि कॉलोइड्स शोज टिंडल इफेक्ट. इसके बाद हमें लास्ट पार्ट को सॉल्व करना है, एक्सप्लेन करना है कि सस्पेंशन क्या होते हैं. सो सस्पेंशन के बारे में मैं लिख सकता हूँ. So this can be defined as these are the heterogeneous mixture in which the solute particle do not dissolve but remain suspended throughout the solution. For example, sand in water. So this is all about the question number 4.